नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल इनकी जी क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, अगर आपको लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो तो अचार का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर दो, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही और टमाटर के रस को मिलाकर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें और इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। एक हफ्ते तक रोजाना लगाने से चेहरे पर चमक आने लगती है। नंबर तीन, केवल स्टील के कुकर का ही प्रयोग करें, एल्यूमिनियम से मिले हुए लेड से होने वाले नुकसान से बचे रहेंगे। नंबर चार, गुड़ खाने से शुगर जैसी बीमारी भी नहीं होती है। नंबर पाँच, घर में फ्रिज में कम से कम सामान रखने का प्रयास करें, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई चीजें खाने से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। नंबर छः, चाय कॉफी की जगह गुनगुना पानी, नींबू पानी, छाछ, जूस और सूप का सेवन लाभकारी होता है। नंबर सात, सुबह खाली पेट कभी भी चाय, कॉफी, चटपटा या मुख्य आहार सेवन ना करें। नंबर आठ, सोने से पहले 30 मिनट वॉक करना आपको स्ट्रेस फ्री महसूस करने में मदद कर सकता है, साथ ही ये नींद को बेहतर बनाता है और हाई बीपी और शुगर की समस्याओं से भी बचाता है। नंबर नौ, रात में हल्का डिनर लें, ऐसा करना आपको वजन बढ़ाने से बचा सकता है। इस दौरान कोशिश करें कि हाई प्रोटीन डाइट, सूप या फिर उबली हुई सब्जियां खाएं। नंबर दस, अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। रोजाना अनार का जूस पीने से दिल स्वस्थ रहता है और खून की कमी नहीं होती है। नंबर 11, जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर प्रतिदिन कुछ मात्रा में खजूर का सेवन करने से लाभ होता है, इससे कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। नंबर 12, यदि गले में दर्द है तो गर्म पानी का सेवन बहुत लाभकारी होता है। गले के दर्द में गुनगुना पानी का सेवन बहुत ही आराम दिलाता है। नंबर 13, यदि आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज आती है तो समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। इसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, पनीर, सोयाबीन आदि का सेवन करें। नंबर 14, काम करते समय स्वयं को अच्छा लगने वाला संगीत चलाएं, खाने में भी अच्छा प्रभाव आएगा और थकान भी कम होगी। नंबर 15, काला नमक, अजवाइन, छोटी हरड़ और जीरा बराबर मात्रा में पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर का सेवन दोपहर और रात को भोजन करने के बाद करें, यह वजन को कम करने में मददगार है। नंबर 16, खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन बहुत तेजी से कम होता है। नंबर 17, दही के साथ बादाम खाने से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 18, हड्डियों के लिए जितना कैल्शियम जरूरी होता है उतना ही मैग्नीशियम भी जरूरी होता है। काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, तो रोज काजू का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 19, अपने बच्चों को स्वस्थ फल और साबुत अनाज और दूध से बनी चीजें खिलाएं, ताकि उनमें स्वस्थ आंतें विकसित हो सके। नंबर 20, भोजन करते समय संयम रखें, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके और पूरी तरह से चबा कर खाएं, इससे आपका भोजन आसानी से पच जाता है और खाना खाने के बाद पेट भारी भी नहीं लगता है। नंबर 21, सुबह का नाश्ता आपके स्वास्थ्य की पहचान है, इसलिए नाश्ता कभी न छोड़ें। अच्छा प्रोटीन युक्त नाश्ता करें और हमेशा नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए, जिससे आपको बार बार कुछ खाने की आवश्यकता ना पड़े। नंबर 22, खाना अधिक न खाएं, आहार में दही, ग्रीन टी, हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा लें। खाना हमेशा कम खाएं लेकिन पौष्टिक आहार खाएं। नंबर 23, रात को नाभि में तेल डालने से दिमाग तेज होता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नंबर 24, सोने से पहले अपने हाथों पैरों को धोकर पोछें और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सो जाएं। नंबर 25, जो खाने को तेजी से खाते हैं
उनका खाना जल्दी हजम नहीं हो पाता है और वह जल्दी ही मोटापे का शिकार होने लगते हैं। नंबर 26, जिन बच्चों की आंखें भूरे रंग की होती हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। नंबर 27, खाना खाने के बाद बड़े इलायची को चबाकर खा ले, इससे आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा। नंबर 28, गरम मक्खन का इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी भी गलना शुरू हो जाती है। नंबर 29, अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती हो तो सुबह खाली पेट शहद और प्याज को मिक्स करके खा लिया करें। नंबर 30, छिलके समेत आम खाने से बाचपन की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 31, हाथ पैर सुन्न होने की बीमारी है तो एक चम्मच शहद और आधे नींबू का रस एक गिलास पानी में मिलाकर कम से कम 40 दिन तक पिए, इससे आपके हाथ पैर सुन्न होने बंद हो जाएंगे। नंबर 32, ऑफिस में 8 या 9 घंटे की अगर आपकी डेस्क वाली जॉब है तो इतना बैठना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए पानी लाने या किसी वजह से चलने की कोशिश करें। नंबर 33, आड़ू का सेवन करने से नज़र तेज हो जाती है। नंबर 34, माथे पर केले के छिलके मसलने से सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 35, अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है तो छोटी इलायची, लौंग, मुलहठी तीनों का चूर्ण 3-3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से इस्तेमाल करें, इससे आपकी आवाज़ खुल जाएगी। नंबर 36, पानी में सौंठ पीसकर माथे पर लगाने से सर्दी से होने वाला सिर का दर्द रुक जाता है। नंबर 37, पलकों में वैसलीन लगाना उनकी ग्रोथ बढ़ाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये काफ़ी हद तक नेचुरल ऑयल जैसा ही इफेक्टिव होता है। रात में सोने से पहले पलकों पर अच्छे से वैसलीन लगा लें और सुबह अच्छे से धो लें, और अगर चाहें तो 15 मिनट इसे लगाकर रख सकते हैं। लगातार इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 38, मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द होने की समस्या में गर्म पानी से सिकाई करने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके लिए सिकाई वाले बैग या किसी बोतल में गर्म पानी लेकर पेट पर रखकर सिकाई करें। नंबर 39, विटामिन सी का सेवन करना मासिक धर्म जल्दी लाने के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि आपके मासिक धर्म को खुलकर लाने में मदद करता है। नंबर 40, दालचीनी के बारे में कहा जाता है कि यह बॉडी हीट को बढ़ाने का काम करती है, ऐसे में दालचीनी की यह खूबी आपके अनियमित पीरियड्स को नियमित करने में मदद करेगी। इसके लिए आप दालचीनी को पीसकर एक कप में ले लें, इसमें उबला हुआ पानी मिलाएं, फिर 3-10 मिनट बाद इसमें एक टी बैग डालकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसमें स्वादानुसार शुगर या शहद मिलाकर लें। इसे रोजाना लेने से आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।